आखिरकार कृष्णा की ममता उसे खींचकर उस मोड़ पर ला ही देती है जहाँ पर उसकी बेटी गोपिका है। आपको बता दे कि जिस फंक्शन में कृष्णा पहले आने के लिए मना कर देती है, अब ना चाहते हुए भी वहाँ आती है, और वो भी सिर्फ अपनी बेटी गोपी को ढूंढने के लिए। और ऐसे में वो जा टकराती है गौरी से। गौरी जाओ एक्शन। सॉरी जाओ। हमें पता है आप खेल रहे थे, लेकिन हमें बस आपको बताना था कि यहाँ ना आपकी कृष्णा भी आई है। क्या कर रही हो यहाँ? और तभी गौरी भी पूछ बैठती है कि आखिर कृष्णा यहाँ क्या कर रही है। इसमें कृष्णा बताती है कि वो किसी मकसद से आई है और अपनी बेटी को ढूंढ रही है। हालांकि ये बात सुनकर गौरी थोड़ी सी अनसिक्योर हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उनका भांडा ना फूट जाए और कहीं शिव उनसे दूर ना हो जाए। यही नहीं बल्कि गौरी के पास जितना भी टाइम बचा है वो सिर्फ अपने बेटे शिव के साथ स्पेंड करना चाहती है। और बातों ही बातों में वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। उसे ऐसा लगता है कि अब उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। वल इस मौके पर वहाँ पर विक्की भी पहुँच जाते हैं और टोंट मारते हुए गौरी से कुछ बातें कह रहे हैं। वल इस पर भी डालिए एक नज़र। इसके पीछे आग लगाने में लगी हुई मैं सोचूं ये से काय कैसे आग नहीं लगा रहे हैं हम और कुछ और कर भी तो नहीं सकते। कुछ ही दिन बचे हमारे पास और ये वक्त हम सिर्फ अपने बच्चे के साथ बिताना चाहते हैं। यहाँ पीना बिल्कुल ठीक है। हमारे से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हें जल्दी मिल जाए। और शिव वल अब देख रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि क्या कृष्णा जिस मकसद के लिए आई है उस मकसद को पूरा कर पाएगी। एंड फॉर मोर सच टेली टाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।